नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। श्रावस्ती में दिल दहला देने वाला हादसा प्रकाश में आया है, जहां पर राप्ती अपने पूरे जोश में है, जहां उसके आसपास जाना भी खतरे से खाली नहीं। इसी सिलसिले में एक युवक अपने खेत से छुट्टा जानवरों को भगाने राप्ती के पास गया था, तभी उसका अचानक पैर फिसल गया और राप्ती की आगोश में समा गया, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका, जबकि पीएसी के जवान उसकी तलाश कर रहे हैं। घटना थाना कोतवाली भिंगा के रेहरा पुरवा के पास की है, जहां पर राप्ती नदी इस वक्त अपने पूरे रौद्र रूप पर है। वहीं मोहनलाल नाम का एक युवक अपने खेत से छुट्टा जानवरों को भगाने जा रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसला और राप्ती की आगोश में समा गया। परिजनों को इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और काफी तलाश करनी चाहिए, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और पीएसी के जवान युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं है। वहीं घटना के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। जी बताइए अपना नाम, तेज से बोलिए। मेरा नाम राम कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजा तेज। क्या मामला है? हमारे पिताजी नदी में डूब गए हैं, पशुओं को भागने जा रहे थे। काफी पशु उधर खेत में चल रहे थे, उनके भागने जा रहे थे और अभी क्या इस पर पुलिस प्रशासन कोई आई अब तक? अभी तक कोई नहीं आया। किसी को सूचना दिया गया? जी, हमने थाने पर। जी अपना नाम बताएं। राम स्वरूप वर्मा। पूरा परिचय? राम स्वरूप वर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। ये हमारे गांव के रेहरा पुरवा के राजा बीरपुर राजा बीरपुर नदी के साइड में उस पार जो है खेत है। लोग खेतों में जानवर को हांकने के पर्पज से और ये जो थोड़ा पानी बह रहा था उनको अनुभव नहीं लगा कि ज्यादा तेज बहाव है, और उन्होंने गाय हांकने के चक्कर में जब उतरने लगे तो बीच में जाकर उनका जो है सिस्टम बदल गया और डूब के उनकी जो है डूबने के बाद में उनकी बॉडी अब तक दिखाई नहीं दे रही है, और प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। प्रशासन आकर यहाँ पर देखभाल करेगा। देखो नाव से या जैसे भी व्यवस्था रख के जो है बॉडी को ढूंढने का काम करें। और चौकी इंचार्ज को भी फोन किया गया, चौकी इंचार्ज ने बोला है कि मैं तत्काल पहुंच रहे हैं और शासन प्रशासन में खबर पहुंच चुकी है। यूएफटी लाइव के लिए मोइनुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।